दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बार फिर से एक प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। ये चीज़ें मैं गंदी मैं जितने भी मेरे वीडियो पे आपको प्रोडक्ट दिखते हैं वो गंदे इसलिए दिखते हैं क्योंकि मैं उनको खुद स्वयं यूज करता हूँ और मैं जो चीज़ यूज करता हूँ वही अपने सब्सक्राइबर को बताता हूँ क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ। अगर प्रमोशन करने वाली वीडियो होती तो भाई वो लोग नया भेजते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर को, और वैसे भी मैं करता ही नहीं हूँ, मैं मना कर देता हूँ। मेरे पास कई मेल आते हैं, मैं मना करता हूँ कि भाई मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं कैसे भला दे दूँ भाई 10-20 हज़ार रुपए के लालच में किसी की जिंदगी या फिर किसी के बारे में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बता दूंगा जिससे वो पूरी जिंदगी भर मुझे कोसे, तो ऐसा काम मैं करता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी वाली बी बियर वाइल्ड ग्रोथ बियर्ड ऑयल के ऊपर है। ये जो बियर्ड ऑयल है ये आयुर्वेदिक है, 100% रिजल्ट भी मिलते हैं इसके और 100% आयुर्वेदिक ऑयल है। इसको यूज किस तरह करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं यूज करने में, तभी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस एरिया पे लगाना चाहते हो। जहाँ पे बियर्ड है वहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे बियर्ड नहीं है वहाँ पे यूज करना है। तो देखिए अगर जहाँ पे बियर्ड आपके है वहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हो ये यूज कर सकते हैं। आपकी बियर्ड जिनकी भूरी है वो यूज करेंगे तो उनके हेयर जो है वो काले होने शुरू हो जाते हैं, प्लस आपकी बियर्ड की ग्रोथ बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, उसमें शाइन आती है। ये तीन बेनिफिट मिलते हैं अगर आप अपने बियर्ड पर लगाते हो जो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को बियर्ड चाहिए, नई बियर्ड चाहिए, उनको किस तरह यूज करना है। उनके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये डर्मा रोलर लेना है, लेकिन बियर्ड के लिए आपको 0.5 mm का लेना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ केवल वही परचेज करिएगा, 1 mm मत परचेज करिएगा, 1.5 भी मत परचेज करिएगा, ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। केवल आप 0.5 mm का ही परचेज करें और ये जो मैं बता रहा हूँ बियर्ड ऑयल ये आपको ले लेना है। पहले आपको डर्मा रोलर यूज करना है उस एरिया पे जहाँ पे आप चाहते हो कि बियर्ड आ जाए, हर डायरेक्शन में मूव कर लीजिएगा, उसके बाद करके छोड़ दीजिएगा। फिर आपको रात को ही ये ऑयल अप्लाई करना है उस एरिया पे, क्योंकि अगर दिन पे अप्लाई करोगे तो बाहर जाओगे धूल मिट्टी होगी, डस्ट होगी, तो आपकी बियर्ड नहीं काम करेगा। ये ऑयल यूज करने का कभी काम करेगा जब रात को लगाओगे, तो इसलिए इसको रात को ही यूज करें, तभी आपकी बियर्ड नई बियर्ड आएगी उस एरिया पे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरह बियर्ड का भी ट्रांसप्लांट कराते हैं। यदि आप सोच रहे हो वो कराने से, उससे पहले आप ये यूज करो। इसको यूज करने से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अन्य किसी भी बियर्ड ऑयल से यूज करने से नहीं मिलेंगे। आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ औषधि टाइप की पड़ी हुई, तो बहुत ही बेस्ट ये बियर्ड ऑयल है। तो दोस्तों यूज कर लेना जिस तरीके से मैंने बताया। आपको रिजल्ट कितने दिनों में मिलेंगे, देखो 30 दिन के पहले रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। जिन लोगों को लगता है 10-15 दिन में, नहीं भाई 30 दिन तो लग ही जाएंगे। और हाँ, ये डर्मा रोलर आपको वीक में केवल 2 बार या फिर 5 दिन में 1 बार ही यूज करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, कोई भी सवाल हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।